जनाब कटाकट तैयार हो रही है और धुआं उठ रहा है और ये टक टक की आवाज़ें लोगों को अपनी जाने मुतवज्जे भी करती हैं। और हमारे साथ इसी ठीए के मालिक हैं, मलिक यासीन साहब। यासीन भाई, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं आप, ये लालू लियाकतबाद डाकखाने पर ये जो कटाकट बना रहे हैं, सवाल मेरा यही है कि मछली अगर कोई घर में कसर छोड़ दे या कहीं पे तो वो नहीं खाई जाती, आप कटाकट पे ही आजमा रहे हैं अपनी किस्मत, और कब से आजमा रहे हैं? माशाल्लाह, मैंने आपको ये भी याद करा कि हमारे बुजुर्गों ने शुरू करा, हमारे चाचा थे, बहुत मेहनत करी है। मछली वो नहीं जिसमें कसर छोड़ी है, ये रोजाना का काम है। हम कसर छोड़ेंगे तो प्लेट हमारे मुँह के ऊपर मारेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू से बताएं, जब मछली आज कहाँ से आती है और यहाँ तक पहुँचते हुए कितना टाइम लगता है? बिल्कुल ठीक है, फिशरी मार्केट से मछली आती है, हम खुद सुबह जाते हैं अपनी लाड़ खरीदते हैं, जितना हमें चाहिए होता है, 2 किलो 2 किलो 1.5 किलो वहाँ खरीद के उसको साफ सुथरा करा के उसके बाद वो कारखाने में, वहाँ आदमी अलग से पकाने वाला मौजूद है, मसाला बना के उसको धो धा के मसाला बना के लगा के उसको अपना तैयार करके इस तरीके से बात। अच्छा, 20 किलो। अच्छा जी, धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि कितने मसाले आप इसमें इस्तेमाल करते हैं कुछ, और ये जो कौन कौन सी मछली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मछलियों की भी अब दाम बहुत है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और होती है गोल्डन होती है, बम्बोली होती है, पूतली होती है, मोर होती है, कार्पक, जिस पर सिंगल कांड है ना वो हम यूज करते हैं। वैसे एक बात बोलूं, इनमें सिर्फ मैंने अभी तक फोल का नाम सुना हुआ, ये कहीं खास समंदर के खास एरिया से मिलती है, पता ही नहीं होगा कि मछली, हमें नहीं पता हम मछली बेचते हैं कि मछली के इस्तेमाल कितनी है, बहुत ज़्यादा नस्ल है ना। सर्दी में काम ज़्यादा है या गर्मी में? ये अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी में बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी भी माशाल्लाह इतना होता है कि 4-6-10 आदमी को गुजारा होता है। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि मसाला जात का आप जिक्र कर रहे थे, कितने मसाले डालते हैं इसमें? सर इसमें तकरीबन 3 दर्जन के करीब मसाले होते हैं। 3 दर्जन मसाले? 3 दर्जन के करीब मसाले होते हैं जिसमें हम पेस्ट बनाते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, पेस्ट देखना चाहें। चले हम अभी देख लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपकी जो चटनी है थोड़ी देर चाहिए, ये चटनी है हमारी, दिखाएं एक प्लेट देना भाई, निकाल के जो है ना प्लेट में आपको दिखाता हूँ अपनी चटनी, दिखा ये हमारी चटनी है ये जी, ठीक है, और ये इसके साथ होता है प्याज, सही है, चीज़ बन गई, ये चटनी है और ये प्याज है और ये बड़ी स्पाइसी चटनी है, मजा इसका दुबला हो जाए। तो क्या क्या होता है इस चटनी में ये भी बता दें। कस्टमर जो है अगर चटनी उनके आगे नहीं जाएगी तो खाना शुरू नहीं करेंगे। अलग चार्जेस तो नहीं लेते कि भाई? इसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा, हम मछली और चपाती के पैसे। अच्छा, तो अच्छा मछली की एक प्लेट कितने की होती है? मछली की सिर्फ 80 रुपये की प्लेट। 80 रुपये? अच्छा, ये तो आजकल के दौर में बहुत कम रेट है। दाल माँस के रेट है। अच्छा, दाल माँस, दाल मूंग, दाल चने के रेट है। दाल मछली तो बहुत महंगी हो गई है। है बिल्कुल, फसल वो भी 70-80 रुपये की प्लेट मिलती है। अच्छा, 3 के बाद। चलें जी, तो यहाँ पर हम मलिक यासीन साहब के साथ मौजूद हैं और फिर कुछ लोगों से यहाँ पे अंदर बात करेंगे, कस्टमर से। इनका यही कहना है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ चपाती और मछली के रेट ले रहे हैं, 80 रुपये की ये एक प्लेट दे रहे हैं, तो आप ट्राई करें, यकीनन एक ज़बरदस्त आइटम है। लियाकतबाद डाकखाने पर हम मौजूद हैं और कटाकट की ये जो कटाकट फिश है इसकी कवरेज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मछली का ये कटाकट यहाँ पर बनाया जा रहा है और नज़र हुसैन भाई हैं जो कि बहुत देर से तवे पे मौजूद हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ। अदर भाई, ये बताइएगा कि कब से आप इस काम से वाबस्ता हैं? मेरे को 35 साल हो गए यहाँ काम करते हैं। अच्छा, हम लोग 35 साल हो गए काम करते हैं, तवे पे मैं माल बनाता हूँ, ये करता हूँ, घी डालता हूँ, चटनी भरी कुतरा हुआ प्याज डालता हूँ, हरी मिर्ची की चटनी होती है। तो ये तो इसका तो अच्छा खासा वेट है। इससे ज़्यादा यहाँ लोग चैलेंज करते हैं, तो अगर आप कैमरे में देख कर कोई चैलेंज करेंगे आप जैसे कटाकट? बिल्कुल चैलेंज करके मैं बोल रहा हूं। क्या चैलेंज है? जैसे बोलेंगे उससे माल बढ़ा के देंगे। अच्छा, और इस कटाकट की क्या खास बात है? मिर्ची का बोलेंगे सबसे खास बात हमारी जो है गरम मसाले में। अच्छा,
हमारी सबसे जो है इस गरम मसाले, इस गरम मसाले में कितने मसाले मिलेंगे आपको? 22 मसाले। 22 मसाले, अच्छा जी। तो फिर जनाब ये भाई जो है बड़ी मेहनत से कटाकट बना रहे हैं, उन्होंने कहा जैसी बोलेंगे वैसी कटाकट बना के देंगे, और यहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और कटाकट की गूंज है। तो जनाब फिश कटाकट हमारे पास आ गई है और अब हम जो है इस पर हाथ साफ करेंगे। यकीनन मज़ेदार है, इसके साथ चटनी मौजूद है, प्याज मौजूद है, और अगर हद से जायका नमक का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी मौजूद है, और वाकई में बहुत ज़्यादा लजीज है। तो हम जो है वो यकीनन अब अपनी पेट पूजा करते हैं, और आपसे भी कहते हैं कि एक बार ज़रूर आएँ उसको ट्राई करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का फ़िश कटाकट कहीं और मिलती होगी। तो फिर मिलेंगे कराची के किसी और मकाम से कहीं ऐसे ही ज़बरदस्त खानों के साथ।